Hello students, in today's lecture number 8 on ray optics and optical instrument, we shall have discussion on lens. Lens kya hota hai? Sabse pehle to ise jaan le. Lens is a transparent material, refracting material. Kaisa? Transparent refracting material bounded, ghira hua hai, either two spherical surface or one spherical and one plane surface. यानी दो स्फेरिकल सरफेस या फिर एक स्फेरिकल और एक प्लेन सरफेस से घिरा हुआ जो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है उसे हम लेंस कहते हैं। जैसे कि इस तरीके से बना सकता हूँ, मान लीजिए एक स्फेरिकल सरफेस है और एक ये दूसरा स्फेरिकल सरफेस है, और इन दोनों स्फेरिकल सरफेस में क्या रखा हुआ है, बाउंडेड आइदर बाय टू स्फेरिकल सरफेस। ये स्फेरिकल सरफेस के बीच में ये ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है, मान लीजिए दिस इज द ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल। ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल, ये ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल जो मैं शेडेड कर रहा हूँ बेटा, ये है ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल जो कि दो स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड है, ठीक है। या फिर इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, स्फेरिकल सरफेस जो है इस तरीके की भी हो सकती है। जैसे आप कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस कहते हो, इसे कॉनवेक्स स्फेरिकल सरफेस कहते हैं। ये जो है इसमें भी ये ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल इस तरीके से भर सकते हैं आप, ठीक है। ये भी एक लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। इन दोनों लेंसेज को यदि हम कट कर दें बीच में से, ऐसे कट कर दें, कट कर दें तो और भी टाइप के लेंस बन जाएंगे। जैसे इसको कट करेंगे तो एक लेंस तो ऐसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा, और दूसरा हिस्सा इस तरीके से होगा। बीच में से कट करने से, इस तरीके से वर्टिकली कट कर देने से, ऐसे ही इसमें एक इस टाइप का बनेगा और एक इस टाइप का बनेगा, ठीक है, इस टाइप के बनेंगे। तो इस टाइप के जब बन रहे हैं तो इनका ये भी एक, ये भी लेंसेज हैं, ये भी क्या है, लेंसेज हैं, लेकिन इनका नेम चेंज हो जाएगा, अभी मैं बताऊंगा किसको क्या कहते हैं। तो ये मैंने ट्रांसपेरेंट मटेरियल को दो स्फेरिकल सरफेस या फिर एक स्फेरिकल और एक प्लेन सरफेस से क्या कर दिया, बाउंड कर दिया, घेर दिया। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं, ठीक है। लेंस इस टाइप के भी हो सकते हैं, जैसे कि एक इस तरीके का सरफेस हो और दूसरा सरफेस भी इस तरीके से हो, ठीक है। इस तरीके का लेंस भी हो सकता है, इस तरीके का भी हो सकता है लेंस। इस तरीके से भी हो सकता है। वैसे ही लेंस आप चाहें तो इसको हम क्या कहते हैं, ये तो आपको पता होगा, जो बीच में से थिक है और किनारों से पतला है, जो बीच में से थिन है किनारों से मोटा है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, कॉनवेक्स, कॉनवेक्स लेंस। या कॉनवेक्स के अलावा इसको हम नाम देते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस, ध्यान रखिएगा। ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव, जो बीच में से पतला हो किनारों से मोटा हो, कॉनकेव। और दूसरा क्या नाम है? डाइवर्जिंग, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस को बीच में से कट करके ये दो लेंस बनाए जिसका एक सरफेस कॉन्वेक्स है और एक प्लेन है, तो ये क्या कहलाएगा, प्लेनो, प्लेनो कॉन्वेक्स। ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स है, ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स है। ये आपने कॉनकेव लेंस को कट करके बनाए तो एक सरफेस कॉनकेव है, एक प्लेन है, तो ये कहलाएंगे प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव लेंस। और इसमें ये सरफेस कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव,
तो कॉन्वेक्सो कौन के, कॉन्वेक्सो कौन के, ये डिफरेंट टाइप के लेंसेज होते हैं। हम मेनली फोकस करेंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस पर। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, आपने 10th क्लास में इमेज फॉर्मेशन पढ़ा होगा। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, क्या कहलाता है लेंस का, ऑप्टिकल सेंटर। और ये कहलाता है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। लेंस में बहुत सारे फोकस होते हैं, जैसे ये वाला जो सरफेस है ना, ये पहले तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर लें। ये वाला जो सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं होगा, और ये वाला जो सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं होगा, सेम डिस्टेंसेज पर होंगे दोनों तरफ। जो मिरर में हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से लिखा था ना, उसको यहां पर मेन फोकस कहते हैं लेंस का। ये मेन फोकस हो गया, इसको F1 कह दो, इसको F2 कह दो, ठीक है। और इसका जब डबल डिस्टेंस जो होगा ये 2F1, ये दूसरा फोकस हो जाएगा। ऐसे ही इधर भी उतने ही डबल डिस्टेंस पर 2F2, ये दूसरा फोकस हो जाएगा। ये बात आप जानते होंगे, यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था मिरर में उसकी जगह कौन है, मेन फोकस है, ध्यान रखिए, ठीक है। मेन फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये मेन फोकस हो गया, ये दूसरा फोकस हो गया। ऐसे ही अगला वाला भी फोकस होगा, ये भी फोकस है, ये भी फोकस है। देख रहे हो आप, लेंस के दोनों साइड में फोकस होते हैं, लेंस के दोनों साइड में फोकस होते हैं, जबकि मिरर में एक ही साइड में फोकस था। लेंस में दोनों साइड में फोकस होते हैं, ठीक है। अब देखिए इस लेंस के अंदर जो मटेरियल है उसका कुछ अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मान लीजिए μ2 है, और बाहर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ठीक है। बाहर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 है। अब मान लेता हूं कि लेंस का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के मीडियम से ज्यादा है, लेंस के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी लेंस के अंदर जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के मीडियम से ज्यादा है, तो जब आप इस पर लाइट रेज फॉल करोगे, ये लाइट रेज आई तो पैरेलल जाने के बाद आप जानते हैं गोल्डन रूल तो वही रहेंगे, फोकस से पास होंगी। तो अब ये इस फोकस से पास ना होकर के राइट साइड के फोकस पर जाएंगी, ये लीजिए, ठीक है, और ये लीजिए, इस तरीके से जाएंगी। और इस डायरेक्शन में कोई लाइट जा रही है तो इस तरीके से यहां कन्वर्ज कर रहा है, तो ये लाइट रेज को क्या कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज कर रहा है फोकस पर, इकट्ठा कर रहा है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, किसको, कॉन्वेक्स लेंस को। और ये जो डिस्टेंस होगी बेटा, कहां से कहां तक की डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से मेन फोकस की जो डिस्टेंस होगी, ये ऑप्टिकल सेंटर का जगह मान लेता हूं और ये मेन फोकस का, तो ये डिस्टेंस होगी फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी, कॉन्वेक्स लेंस की जो स्मॉल एफ यानी फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी, क्यों, क्योंकि राइट साइड में है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एक बात, ठीक है। और ये कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहलाता है, ये समझ में आ गया आपको। देखिए अंदर के मटेरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है बाहर के मटेरियल से, तो ये रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है, कहां से कहां जा रही है, रेयरर से डेंसर में जा रही है। अब रेयरर से डेंसर में जा रही है तो जो लाइट रे है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। अब नॉर्मल कौन सा होगा, नॉर्मल इसमें देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह 2F है और ये वो जगह है जहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन होगा 2F और इस पॉइंट को मिलाने वाला, ये नॉर्मल का डायरेक्शन होगा, ठीक है। ये नॉर्मल का जब डायरेक्शन होगा, अब इसको जाना था सीधे लेकिन ये नीचे की तरफ मुड़ी, यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई रेयरर से डेंसर में जाने पर। ऐसे ही ये भी, इसका नॉर्मल क्या होगा, इसके लिए ये 2F है और ये पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ये वाला नॉर्मल होगा, तो इसको ऐसे सीधे जाना था लेकिन ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, तो रेयरर से डेंसर में टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, ये आप जानते हो। तो ये कॉन्वेक्स लेंस जो है क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा लाइट रेज को, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। हाँ, यदि हमने लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ इस तरीके से कर दिया, मान लीजिए कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ध्यान दीजिएगा एग्जाम में प्रश्न आता है इसके ऊपर, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये इधर वाला फोकस F1 और ये 2F1, ऐसे ये इधर वाला F2 और ये 2F2, ठीक है।
अगर ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन, ये भी मीडियम है म्यू वन, ठीक है, म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का है, और यदि कंडीशन है म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, यानी लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो उस केस में ये जो लेंस है आपका ये कन्वर्ज नहीं कर पाएगा, यानी ये लाइट रेज को कन्वर्ज नहीं करेगा, लाइट रेज जैसे आ रही थी वैसे ही चले जाएंगी अनडेविएटेडली, बिना किसी डेविएशन के सीधे चले जाएंगी, ठीक है। ये कई बार इधर का रे डायग्राम दे रखा होता है, इधर का पूछता है, ठीक है, कि इन इस तरीके से पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट की जाती है एक ऐसे लेंस पर जिसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, तो बताओ उससे निकलने वाली जो रिफ्रैक्टेड रेज होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि बाहर का और अंदर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम है, तो उस केस में रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, वो अपने पाथ से डेविएट होंगी ही नहीं, ठीक है। यहां पर क्या था, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा था और जो बाहर का मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था, इसलिए ये कन्वर्ज कर रहा है। थर्ड केस और ले लेता हूं, थर्ड केस में यदि मैं बात करता हूं कि ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि लेंस का जो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी म्यू टू, इसका वैल्यू कम हो जाए किससे, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो ये ऑप्टिकल सेंटर, ये मान लीजिए एफ वन है और ये टू एफ टू है, टू एफ वन सॉरी, और इधर ये एफ टू ले लो और ये टू एफ टू ले लो, इस तरीके से ले लिया। अब बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है और अंदर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, और मैं ये कह रहा हूं इस केस में ये कंसीडर कर लेते हैं कि जैसे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस के मटेरियल का वो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के से कम है, यानी म्यू टू लेस देन म्यू वन है, तो उस केस में ये कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करने के बजाय क्या करेगा, लाइट रेज को डाइवर्ज करने लगेगा, क्योंकि अब ये डेंसर से रेयरर में आ रही है ना, क्योंकि म्यू वन ज्यादा है और म्यू टू कम है, तो डेंसर से रेयरर में आ रही है और ये डायरेक्शन नॉर्मल का हो गया 2F1, और ये पॉइंट जहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है ये डायरेक्शन नॉर्मल का है, तो लाइट रे इधर जाएगी, ठीक है, ये डाइवर्ज करने लगेगा लाइट रे को। ऐसे ही इसके लिए नॉर्मल क्या होगा, 2F1 और इसको मिलाने वाला पॉइंट, ये जहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है और ये 2F1, ठीक है, तो ये लाइट रे इधर जाएगी, यानी अब लाइट रे क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी, यानी जब लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, डाइवर्ज कर रहा है लाइट रेज को, और यहां क्या कर रहा था, कन्वर्ज कर रहा था, यहां कन्वर्ज कर रहा था। तो यदि आपके पास मान लीजिए क्या नहीं है, कॉनकेव लेंस नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस अवेलेबल है तो कॉन्वेक्स लेंस लीजिए और बाहर के मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आप बढ़ा दीजिए, ठीक है, यानी मटेरियल जो जिस मटेरियल का लेंस बना हुआ है उस मटेरियल से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस के बाहर के मीडियम का कर दीजिए, तो वो लाइट रेज को डाइवर्ज करने लगेगा। तो ये तीनों केस आपको ध्यान रखने, कोई भी केस एग्जाम में पूछ लेता है। सिमिलरली हम कॉनकेव लेंस की भी बात करेंगे, फोकल लेंथ की मैंने बात कर ली, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होती है, कॉनकेव पावर जो है नेगेटिव होती है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे मैं बात करूंगा कि कॉनकेव लेंस कैसा कहलाता है, डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है। कॉनकेव लेंस कैसा कहलाता है, डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है, क्यों, देखिए ये है आप मान लीजिए कॉनकेव लेंस जो बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है, और ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस और ये ऑप्टिकल सेंटर, और इसको मैं मान लेता हूँ एफ वन, और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है उसको टू एफ वन मानते हैं, ऐसे ही ये मेन फोकस एफ टू और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोजीशन जो कि सेकंड फोकस, बहुत सारे फोकस हो सकते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में फोकस होते हैं लेंस के, और एक नहीं बहुत सारे फोकस हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा मल्टीपल फोकस होते हैं, ये मेन फोकस कहलाते हैं, जो लेंस के एकदम क्लोज हैं, लेंस के एकदम नजदीक होते हैं वो मेन फोकस कहलाते हैं। अब देखिए यहां लेंस जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू मान लेता हूं, और मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन मान लेता हूं, और केस लेता हूं कि म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन, यानी लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो लेंस का जो नेचर है, जो ओरिजिनल नेचर है लेंस का, वही रहने वाला है, यानी जो काम होता है लेंस का वही करेगा। अब आप जानते हैं कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है,
क्यों? क्योंकि देखिए 2F1 और ये पॉइंट, इसको मिलाने वाला क्या कहलाएगा? नॉर्मल का डायरेक्शन कहलाएगा, ठीक है, जहां से रिफ्रैक्शन होगा, और जो 2F1 है इसको मिलाने वाला ये जो डायरेक्शन है नॉर्मल का डायरेक्शन होगा। अब लाइट रे जो है रेयरर से डेंसर में जा रही है, रेयरर से डेंसर में जा रही है और ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, तो उस केस में लाइट रे क्या होगा? लाइट रे का क्या होगा इस केस में? जो लाइट रे है बेटा इस तरीके से जाएगी, ध्यान रखना। एक और यहां से कंक्लूजन ये ड्रॉ हो रहा है कि लेंस पर जब आप लाइट रे इंसिडेंट करते हो, देखिए कॉन्वेक्स लेंस में भी हमने देखा था कि लेंस पर जब कोई लाइट इंसिडेंट करते हो तो वो किस तरफ जाती है? जिस तरफ लेंस के मटेरियल का थिकनेस ज्यादा है, तो इसमें सेंटर पर थिकनेस ज्यादा है तो सेंटर की तरफ बेंड होगी। कब? जब लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से क्या हो? ज्यादा हो, ठीक है, अदरवाइज तो फिर ये तीन सिचुएशन मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? डाइवर्ज कर रहा है ये लाइट रेज को, क्या कर रहा है बेटा? डाइवर्ज कर रहा है, और डाइवर्ज करने की वजह से इसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अब इसमें जो फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ क्या होगी भाई? ये लाइट रेज यहां से आती हुई लगेंगी, जो डॉटेड लाइन में बना रहा हूं यहां से आती हुई लगेंगी ये लाइट रेज, ठीक है, यानी वर्चुअल इमेज बनाएगा ये, तो ये फोकस होगा इसका एक तरह से, तो लेफ्ट साइड में फोकस है, तो जो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी? लेफ्ट साइड में, इसलिए नेगेटिव होगी, इसलिए पावर भी क्या हो जाएगी कॉनकेव लेंस की? जब फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लेंस को पहचान सकते हैं, यदि किसी लेंस की पावर पॉजिटिव है तो वो कॉन्वेक्स लेंस, नेगेटिव है तो वो कॉनकेव लेंस। फोकल लेंथ से भी पहचान सकते हैं, फोकल लेंथ जिसकी पॉजिटिव है कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ जिसकी नेगेटिव है वो कॉनकेव लेंस। अब मान लीजिए आपके पास लैब में कॉनकेव लेंस अवेलेबल है लेकिन कॉन्वेक्स नहीं है, अब आप लाइट रेज को कन्वर्ज करना चाहते हैं, तो कन्वर्ज करने के लिए क्या करेंगे आप? बाहर के मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या कर दीजिए? लेंस के मटेरियल के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से ज्यादा कर दीजिए। ये म्यू टू है मान लीजिए, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये मान लीजिए F1 है, ये 2F1 है, ठीक है, ये 2F1 है और ये F2 है और ये 2F2 है। बाहर के मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स μ1 है और अंदर के मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, लेंस के मटेरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स μ2 है, और यहां पर μ2 की वैल्यू कम है किससे? μ1 से, यानी मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो जब मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है तो लेंस उल्टा बिहेवियर शो करता है, यानी लेंस अब लाइट रेज को क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करने के बजाय। इसका ओरिजिनल बिहेवियर क्या था कॉनकेव लेंस का? कॉनकेव लेंस का डाइवर्ज करना, लेकिन अब ये किसकी तरह वर्क कर रहा है? कन्वर्जिंग लेंस की तरह वर्क कर रहा है, तो कन्वर्ज कर दिया इसने लाइट रेज को। कब? जब बाहर के मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है और लेंस के मटेरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता है तब, ठीक है। अगर बाहर और अंदर के मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बराबर होगा तो कोई डिफ्रेक्शन होगा ही नहीं, यानी लाइट रेज सीधे चले जाएंगी बिना किसी रिफ्रेक्शन के। ये मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये F2 है, 2F1 है सॉरी, सिमिलरली ये F2 है और ये 2F2 है। तो लाइट रेज आपने ऐसे ग्राई, तो लाइट रेज ग्राई, तो यदि सेम है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, लेंस का मटेरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और बाहर के मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, μ1 बाहर के मीडियम का और μ2 लेंस के मटेरियल का, यदि μ2 का वैल्यू μ1 के बराबर है तो उस केस में ये ना तो कन्वर्ज कर पाएगा ना डाइवर्ज कर पाएगा, उस केस में लाइट रेज सीधे निकल जाएंगी। तो इस तरीके से ये आपको पता होना चाहिए। इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आता रहता है, कैसे आएगा प्रश्न? एक तरफ का लाइट रे बना देगा, दूसरी तरफ का लाइट रे ड्रॉ करने के लिए कहेगा, ठीक है, या फिर कहेगा कि कैन बी यूज ए कॉन्वेक्स लेंस एज ए डाइवर्जिंग लेंस, क्या हम कॉन्वेक्स लेंस का डाइवर्जिंग लेंस की तरह यूज कर सकते हैं? इफ यस देन हाउ टू यूज, यदि यस है तो कैसे यूज करेंगे? जस्ट बाय इंक्रीजिंग द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम मोर देन द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मटेरियल ऑफ प्रिज्म से ज्यादा कर दीजिए तो कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्ज करने लगेगा लाइट रेज को और कॉनकेव लेंस कन्वर्ज करने लगेगा लाइट रेज को, यानी लेंस का एक्शन रिवर्स करना है आपको, जो ओरिजिनल एक्शन है उसके अलावा कोई उल्टा एक्शन शो करना है लेंस से, तो वो
क्या करना पड़ेगा, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा कर दीजिए लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो यहाँ हमने जाना कि जो लेंस है बेसिकली, देखिए वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं लेंस के, लेकिन यहाँ जो मेन बेसिक टाइप्स हम लेंस की पढ़ेंगे वो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, यानी दो टाइप के लेंसेज की हम बात करेंगे। और लेंस का डेफिनेशन आपको समझ में आ ही गया होगा, इट इज नथिंग बट ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल। लेंस एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल होता है जो कि घिरा हुआ रहता है, बाउंडेड आइदर बाय टू स्फेरिकल सरफेस और वन स्फेरिकल एंड वन प्लेन सरफेस। एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल जो या तो दो स्फेरिकल सरफेस से घिरा हुआ हो या फिर एक स्फेरिकल और एक प्लेन सरफेस से घिरा हो, ऐसा ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। अब देखिए लेंस जो है ग्लास का हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेंस मिट्टी से नहीं बना सकते, लेकिन प्लास्टिक का लेंस हो सकता है, प्लास्टिक का लेंस हो सकता है, ध्यान रखना। अब देखिए अब हम बात करेंगे कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, डेराइव लेंस मेकर फॉर्मूला किसी भी लेंस के लिए पूछ लेगा, कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस के लिए, तो बहुत ही आसान होगा इसको डेराइव करना। यदि आपको ये पता है कि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए क्या क्या रिलेशंस होते हैं, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इससे पहले हमने स्टडी किया था और उसमें हमने ये जाना था कि जब कोई लाइट रे रेयरर से डेंसर जाती है तो जो रिलेशन आया था वो म्यू टू अपॉन बी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर आया था। लेकिन जब कोई लाइट रे डेंसर से रेयरर जाती है तो यू और बी इंटरचेंज हो जाता है डेंसर से रेयरर में जाने के समय, तो म्यू टू अपॉन यू माइनस म्यू वन अपॉन बी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर आता है। ये डेंसर से रेयरर के लिए है, और रेयरर से डेंसर के लिए आप जानते हैं म्यू टू अपॉन बी आता है यहाँ यू की जगह, और माइनस म्यू वन अपॉन यू आता है रेयरर से डेंसर के लिए, ये डेंसर से रेयरर के लिए है। तो ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो हमने पढ़ी थी उनके लिए रिलेशंस आपको पता होने चाहिए, तब जाकर के हम जो है लेंस मेकर फार्मूला डिराइव कर पाएंगे। अब लेंस मेकर फार्मूला पहले हम डिराइव करेंगे किसके लिए, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए डिराइव करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस के लिए कैसे लेंस मेकर फार्मूला डिराइव करें इसके ऊपर बात करेंगे अभी। कॉन्वेक्स लेंस में भी हम रियल इमेज के लिए बात करेंगे, रियल इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, रियल इमेज बनेगी, रियल इमेज बना करके आप देखिए कॉन्वेक्स लेंस जो कि कन्वर्जिंग लेंस होता है इससे हम रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बना सकते हैं, ध्यान रखना। जो काम कॉनकेव मिरर का होता है ना वो काम कॉन्वेक्स लेंस का होता है, ध्यान रखना। जैसे कॉन्वेक्स मिरर से जो काम करते हैं वो काम हम लेंस में कॉनकेव लेंस से करते हैं। कॉनकेव लेंस से बनने वाली इमेज केवल और केवल वर्चुअल नेचर की होती है, जबकि कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाली इमेज रियल और वर्चुअल दोनों होती है। अब देखिए जरा, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए रियल इमेज फॉर्मेशन के केस में। तो देखिए क्या करता हूं, लेंस मेकर फॉर्मूला देखिए, दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर के बना हुआ है लेंस, इतना तो आपको पता चल ही गया। ये स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, ये स्फेरिकल सरफेस है, क्लियर, ये स्फेरिकल सरफेस है। और अभी मैं दोनों स्फेरिकल सरफेस नहीं बना रहा हूं, ये मान लीजिए इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया इसका पोल, ये फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस है इसलिए इसको पी वन मान लेता हूं, ठीक है, ठीक है यहां तक। और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट है ओ, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब जब इस लाइट रे को हम ऐसे भेजेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे गई, इसकी इमेज बनानी है ऑब्जेक्ट की, और यह है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, कैसा सरफेस है, कॉन्वेक्स है, क्योंकि इस तरफ इस तरीके से कर दें तो ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है। और इस कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हो वो कितना है, म्यू टू है, और बाहर का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमने लिया है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, और ये भी ध्यान रखना कि म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन, म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन। तो ध्यान कीजिए रिलेशन, देखिए ये पोल है, ये ऑब्जेक्ट है, ये लाइट रे यहां गई, अब यहां से क्या होगा भाई, ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होना है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां मान लेते हैं, इस जगह मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है,
और ये वो जगह है जहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इन दोनों को मिलाने वाला जो डायरेक्शन है वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा। अब लाइट रे कहां से कहां जा रही है? म्यू वन कम है, म्यू टू ज्यादा है, यानी रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, यानी लाइट रे किस तरफ चली जाएगी? लाइट रे इस तरीके से मान लेता हूँ इस तरफ चली जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, और यहाँ पर ये इमेज बनेगी। ठीक है, क्या ये इमेज फाइनल इमेज होगी? नहीं, क्योंकि ये लेंस की फर्स्ट सरफेस के द्वारा बना हुआ इमेज है, तो ये फर्स्ट फाइनल इमेज नहीं होगा, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है, और ये रे ऑफ लाइट है। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट इमेज है, इस फर्स्ट सरफेस के कारण जो बन रहा है वो इस सेकेंड, जो सेकेंड सरफेस बनाऊंगा उसके लिए ऑब्जेक्ट होगा ये। देखिए, इस फर्स्ट सरफेस के लिए तो ऑब्जेक्ट ओ हो गया, जिसके कारण बनने वाली इमेज क्या है? आई वन है। तो पहले तो इसके लिए रिलेशन लिख लें हम। ठीक है, तो फॉर रिफ्रैक्शन इसको मैं नाम दे देता हूँ, इस जगह को नाम दे देता हूँ एक्स, और ये पी वन और ये वाई, ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो फॉर रिफ्रैक्शन, फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस एक्स पी वन वाई, क्या रिलेशन लिखेंगे एक्स पी वन वाई के लिए? अब ये रियरर से डेंसर जा रही है ना लाइट, तो रियरर से डेंसर के लिए स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस वाला रिलेशन देखो, सोचो क्या होता है। हमने लिखा था म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो म्यू टू डेंसर मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, यहां भी म्यू टू लिया है हमने, अपॉन वी, वी की जगह क्या आएगा? वी की जगह क्या आएगा? देखिए, यहां इसका मान लीजिए ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर है ये वाला, तो यहां से ये जो डिस्टेंस होगा फर्स्ट इमेज का, जो डिस्टेंस होगा ऑप्टिकल सेंटर से इस फर्स्ट इमेज का जो डिस्टेंस होगा ये क्या कहलाएगा? वी वन कहलाएगा। और इस ऑप्टिकल सेंटर से इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा यू। ठीक है, तो यू की जगह तो यू ही है इसमें, और वी की जगह क्या है? वी वन। तो म्यू टू अपॉन वी, वी की जगह क्या लिखेंगे? वी वन माइनस म्यू वन अपॉन यू, म्यू टू अपॉन वी, वी की जगह वी वन आ गया, ये आ गया माइनस म्यू वन अपॉन यू। तो म्यू वन रेयर मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन, अब इस सरफेस के लिए एक्स पी वन वाई के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर में आर वन मान लेता हूँ, मान लीजिए कितना मान लेता हूँ? आर वन। ठीक है, तो ये एक रिलेशन हो गया। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये रिलेशन जब हमने डिराइव किया था तो उस समय साइन कन्वेंशन यूज किया था। यदि आप दोबारा से यहाँ साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो फिर पहले वाली सिचुएशन आ जाएगी, यानी एक ही डेरिवेशन के लिए दो बार हम साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते ऑप्टिक्स में, ध्यान रखिएगा। फिर से बोल रहा हूँ कि ये रिलेशन जब हमने डिराइव किया था स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, तो इसको डिराइव करने के समय हमने साइन कन्वेंशन यूज किया था। ठीक है, ठीक है, तो अब जब लेंस मेकर फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं तो इस इक्वेशन को जब हम लिखेंगे तो साइन कन्वेंशन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन वन आ गई इस सरफेस के लिए। अब ये फर्स्ट इमेज है, फाइनल इमेज नहीं है। अब देखिए, मैं दूसरी सरफेस बनाता हूँ, लेंस है तो दूसरी सरफेस भी तो होगी, ये दूसरी सरफेस है, ये दूसरी सरफेस है। ठीक है, ये दूसरी सरफेस है, और इसको मैं मान लेता हूँ पी टू है, ये पी टू है, एक्स पी टू वाई हो गई, दूसरी सरफेस क्या हो गई? एक्स पी टू वाई। अब देखिए, ये लाइट रे का दोबारा यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा ना, दोबारा यहाँ पर एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ हुआ तो फर्स्ट इमेज बन गई। अब जब ये सेकेंड सरफेस होगी तो दोबारा रिफ्रैक्शन यहाँ होगा, और फिर ये लाइट रे जो है डेविएट हो जाएगी, और किस तरफ बेंड हो जाएगी? उस पोर्शन की तरफ बेंड हो जाएगी जिस तरफ मटेरियल का थिकनेस ज्यादा है, लेंस में ऐसा ही होता है। और यहां बनेगी बेटा फाइनल इमेज, ये होगी फाइनल इमेज, इस पूरे लेंस के द्वारा बनने वाली जो फाइनल इमेज है वो आई होगी, और जो आई वन है वो सेकेंड सरफेस एक्स पी टू वाई के लिए ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में भी ये कॉन्सेप्ट काम में आता है, जो सेकेंड स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है एक्स पी टू वाई, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा? ओ नहीं होगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट फर्स्ट सरफेस के कारण बनने वाली इमेज होगी, ध्यान रखना।
आई वन जो इमेज है फर्स्ट सरफेस के कारण जो बन रही है वो सेकंड सरफेस एक्स पी टू वाई के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और आई इस पूरे लेंस के कारण बनने वाली फाइनल इमेज होगी। अब इस फाइनल इमेज का जो डिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूँ, इस फाइनल इमेज का डिस्टेंस वी ले लेते हैं, फाइनल इमेज है तो वी डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और इस सरफेस एक्स पी टू वाई के लिए लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है भाई, ये म्यू टू है, और यहाँ का इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, म्यू वन होगा। अब ये डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाती है तो फॉर रिफ्रैक्शन एट एक्स पी टू वाई, एक्स पी टू वाई के लिए ये जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है, यहाँ लाइट रे डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन डेंसर से रेयरर में क्या होता है, म्यू टू अपॉन यू माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, ये होता है, ठीक है, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर ये होता है, ये डेंसर से रेयरर के लिए होता है, किसके लिए था, ये डेंसर टू रेयरर के लिए था, ठीक है। अब इसमें यू क्या होगा हमारा, यू की जगह तो होगा वी वन, क्योंकि जो सेकेंड सरफेस है इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, आई वन, तो वी वन जो होगा वो यू होगा, और वी क्या होगा, वी क्या होगा, वी की जगह तो वी होगा क्योंकि फाइनल इमेज आई है तो इसका डिस्टेंस वी है, और आर की जगह क्या होगा, आर की जगह सेकेंड सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आर टू ले लेंगे, ठीक है, और म्यू टू की जगह म्यू टू है, म्यू वन की जगह म्यू वन है, तो म्यू टू क्या रिलेशन हो जाएगा, म्यू टू अपॉन यू, यू का मतलब क्या है, यू का मतलब क्या है, वी वन माइनस म्यू वन अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर टू, ठीक है, ये इक्वेशन आई। और ध्यान रखना यू बराबर क्या है, वी वन है, यू बराबर क्या है, वी वन, यानी फर्स्ट सरफेस के कारण बनने वाला जो इमेज वी वन है, वी वन डिस्टेंस पर जो इमेज आई वन बन रहा है ये सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होगा, तो यू की जगह वी वन रखेंगे, और वी की जगह कौन है, वी है, ठीक है, और R की जगह कौन है, R2 है। जैसे यहां पर क्या था, सरफेस एक्स पी वन वाई के लिए R की जगह क्या था, R1, U की जगह क्या था, U, और V की जगह क्या था, V1, इस तरीके से लिया था ना, तो वैसे ही इसके लिए लिख दिया। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें हम क्या कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले पूरी इक्वेशन को, ये जो सेकंड सरफेस के लिए इक्वेशन आया है इसको पहले नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, इस तरीके से इज इक्वल टू, या नेगेटिव कॉमन ले लो, एक ही बात है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो या नेगेटिव कॉमन ले लो, अब जा करके इसको इक्वेशन नंबर टू लिखो, ठीक है, टू लिखो, या फिर इसको टू लिख दो और इसको टू ए लिख दो, चलो इसको टू ए लिख दिया, टू ए, ठीक है, ये स्टेप ध्यान रखना बेटा, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन टू ए लिख लेना। अब यदि हम दोनों सरफेस को ज्वाइन करते हैं, सरफेस वन प्लस सरफेस टू, ये दोनों मिलकर के ही तो लेंस बना रहे हैं, और वही तो हम निकाल रहे हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस को बनाने वाला फॉर्मूला, तो दोनों सरफेस का जो रिलेशन है उन दोनों को ऐड करने से लेंस बन जाएगा, यानी इक्वेशन वन और इक्वेशन टू ए को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो क्या आ जाएगा, लेंस मेकर फॉर्मूला आ जाएगा। तो आगे लिखें, आगे क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू ए, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू ए, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू ए वी हैव क्या आ जाएगा, इक्वेशन वन का लेफ्ट साइड क्या था, म्यू टू अपॉन वी वन माइनस म्यू वन अपॉन यू माइनस म्यू वन अपॉन यू, ये इक्वेशन वन का लेफ्ट साइड था, प्लस टू ए का लेफ्ट साइड क्या है, माइनस म्यू टू अपॉन वी वन, ठीक है, प्लस म्यू वन अपॉन वी, ये इक्वेशन टू ए का लेफ्ट साइड है, बराबर होगा किसके, राइट साइड क्या है, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन, ये फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट साइड है, राइट साइड है,
प्लस सेकेंड इक्वेशन का राइट साइड, सेकेंड ए का राइट साइड क्या है, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन माइनस आर टू। अब इसको सॉल्व करना है सिंपली, तो देखिए ब्रैकेट हटाइए, म्यू टू अपॉन वी वन माइनस म्यू वन अपॉन यू माइनस म्यू टू अपॉन वी वन प्लस म्यू वन अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, कॉमन ले लेता हूँ, वन अपॉन आर वन और माइनस वन अपॉन आर टू, ठीक है, ये आ जाएगा। और अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गए, तो म्यू वन अपॉन वी, म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। और यहां से म्यू वन कॉमन लिया तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ये आ जाएगा। हम बात कर रहे थे, हाँ कॉमन ले लिया म्यू वन। अब देखिए यहां से क्या लिखेंगे, और वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, म्यू वन नीचे आ गया, इसको इधर ले आए, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, ये हो जाएगा। देखो इसको क्या लिखेंगे, म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन, इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। और टेंथ क्लास में आपने पढ़ा होगा ये क्या होता है, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, ये लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला आगे हम डेराइव भी करेंगे, ध्यान रखना आगे हम डेराइव भी करेंगे, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू बराबर वन अपॉन एफ, लेंस फॉर्मूला और लेंस इक्वेशन इसे कहते हैं, ये आपने पढ़ा है, ठीक है, इसे हम आगे डेराइव करेंगे, ध्यान रखिए कंफ्यूजन में नहीं आ जाना। अभी हम बात कर रहे हैं लेंस मेकर फॉर्मूला की, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। और ये क्या है बेटा, लेंस फॉर्मूला और लेंस इक्वेशन है ये, ठीक है, दोनों में अंतर ध्यान रखना। तो इसकी जगह वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू की जगह क्या रख दूं, वन अपॉन एफ रख दूं, तो वन अपॉन एफ जब रख देंगे तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ये आ गया लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या आ गया, लेंस मेकर फॉर्मूला, इसे कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, क्या कहते हैं इसे, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए म्यू वन तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और म्यू इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, म्यू वन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और मीडियम कौन है, एयर, यहां पर मीडियम कौन था, एयर, इस म्यू वन को म्यू ए लिखा जा सकता है। और म्यू टू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेंस के मटेरियल का, मान लीजिए लेंस ग्लास का बना हुआ है तो म्यू टू किसके बराबर आ जाएगा, म्यू टू बराबर आ जाएगा ग्लास के, ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देयर फोर वन अपॉन एफ क्या हो जाएगा, म्यू जी म्यू टू की जगह और म्यू वन की जगह म्यू ए माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ऐसे लिखा जा सकता है। और वन अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू जी, ठीक है, म्यू ए को वन लिख सकते हो ना, एयर का क्या होता है, वन होता है, ठीक है। चलो एक तरीका और बताता हूं, इस म्यू जी अपॉन म्यू ए को क्या लिख सकते हो, म्यू जी ए लिख सकते हो या नहीं, ठीक है, माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, म्यू ए को वन लिखो, म्यू जी लिख सकते हो सिंपली इसको, तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं, कई बार ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको बुक में, म्यू माइनस वन सिंपली ये लिख दिया, ठीक है, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ये भी एक फॉर्म हो गया इसका लेंस मेकर फॉर्मूले का। लेकिन बेसिक रिलेशन ये है, इसमें ध्यान रखना म्यू वन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू टू ग्लास के मटेरियल का, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है।
ठीक है। तो इस तरीके से लेंस मेकर फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। अब इसमें तो ये था कि क्या नाम से दोनों सरफेस स्फेरिकल थी। अगर लेंस में एक सरफेस स्फेरिकल हो और एक प्लेन हो, तो ध्यान रखना स्फेरिकल सरफेस का तो रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 हो गया, और जो प्लेन सरफेस होती है ना, प्लेन सरफेस बेटा, उसके लिए ध्यान रखना रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, पता है ना आपको, ये ध्यान रखना। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है तो R1, जिसको R ले लो आप, ठीक है। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इस पर्टिकुलर केस के लिए बता रहा हूँ, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये क्या हो जाएगा, μ-1 इंटू 1/R1 की जगह R, और ये 1/∞, 1/∞ 0 होता है, तो फॉर्मूला क्या आ गया, μ-1 इंटू 1/R आ गया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए। मतलब ये पता होना चाहिए कि प्लेन सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। फॉर्मूला ये है, बेसिक रिलेशन ये है। इसको अलग अलग तरीके से हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पता होना चाहिए μ2 जो है लेंस के मटेरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, μ1 किसका है, मीडियम जिसके अंदर लेंस रखा हुआ है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है। तो कई बार प्रश्न आता है एग्जाम में कि एक लेंस है उसका एयर के अंदर आपको फोकल लेंथ दे रखा होता है कि एयर मीडियम में फोकल लेंथ इतना है, तो बताओ कि उसका फोकल लेंथ उसको पानी में डुबो देंगे तो कितना होगा, इस तरीके से प्रश्न आता है बेटा, ठीक है। कैसे आता है प्रश्न मैं बताता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन आता है, चलो पहले हम कॉनकेव लेंस के लिए और डिराइव कर लें, फिर उस क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है। कॉनकेव लेंस के लिए डिराइव कर लेते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, फिर उस क्वेश्चन को लेंगे। तो लेंस मेकर फॉर्मूले की मैं बात करूंगा अब, किसके लिए लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर्मूला किसके लिए निकाल रहे हैं, सेकंड फॉर कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस से तो केवल वर्चुअल इमेज बनती है, ध्यान रखना। कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज। तो ये हेडिंग है हमारा, लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेजेस, वर्चुअल इमेजेस के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला निकालना है। तो देखिए भाई, सीधी सी बात है कि कॉनकेव लेंस है तो इस टाइप का एक सरफेस होगा, इस टाइप का होगा ना सरफेस, एक इस टाइप से होगा एक सरफेस, और ये हो गया आपका इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये मान लेता हूँ ये हो गया P1, और यहाँ कहीं होगा इसका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और यहाँ मान लेता हूँ कि क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट से ये लाइट रे गया, ये गया, अब आप जानते हैं ये रेयरर से डेंसर में जा रहा है, ये मीडियम जो है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स μ1, और लेंस के अंदर जो मटेरियल होगा उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स μ2 मान लेता हूँ, और μ2 की वैल्यू μ1 से ज्यादा है ये भी मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका रिफ्रैक्शन होगा, तो ये लाइट रे जो है बेंड हो जाएगी, किस तरफ बेंड हो जाएगी, ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगी, इस तरीके से बेंड होगी, ठीक है। और ये इसके कारण यहाँ पर जो है आपको इमेज मिलेगी जो कि कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी इस जगह। अब जो ये फर्स्ट सरफेस के कारण ये वर्चुअल इमेज I1 बन रही है, ये फर्स्ट इमेज कहलाएगी, ये इस केवल फर्स्ट सरफेस के कारण बनेगी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल सेंटर से ये जो डिस्टेंस है u मान लेता हूँ, और ऑब्जेक्ट का सॉरी इसको नहीं, आप ये वाला डिस्टेंस कंसीडर कीजिए, फर्स्ट इमेज का ऑप्टिकल सेंटर से ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा V1, क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा ये, ठीक है। V1 हो गया ये, क्या हो गया ये, V1 हो गया ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस फर्स्ट इमेज का ऑप्टिकल सेंटर से V1 हो गया डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयरर से डेंसर में जा रही है, ये डेंसर है ना, μ2 ज्यादा है और μ1 कम है, तो आप जानते ही हैं फोर रिफर, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स पॉइंट, इसको मैं मान लेता हूँ P1, और ये है वाई, तो फोर रिफ्रैक्शन एट एक्स P1 y इस सरफेस के लिए यू क्या है, यू तो यू ही है, और वी क्या है, वी इज इक्वल टू V1 है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर हम क्या मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं,
रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन मान लेते हैं, तो उस केस में रिलेशन क्या हो जाएगा, म्यू रियरर से डेंसर जा रही है ना लाइट, तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए रिलेशन क्या होता है, म्यू टू अपॉन वी, वी की जगह क्या है वी वन, माइनस म्यू वन अपॉन यू, यू की जगह क्या है यू, इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन मान लेता हूँ। इक्वेशन वन हो गई एक, ठीक है। अब यहाँ आप जानते हो कॉनकेव लेंस में भी केवल एक सरफेस तो होती नहीं है, दो सरफेस होती हैं, तो ये दूसरी सरफेस है, मान लीजिए ये दूसरी सरफेस मान लेता हूँ, ठीक है, ये मैं मान लीजिए दूसरी सरफेस बना दिया, ये दूसरी सरफेस है, ठीक है, इसको एक्स डैश नाम दे दिया, इसको पी टू नाम दे दिया यहाँ पर पोल जो है, और इसको वाई डैश नाम दे दिया। अब देखो ये लाइट रे जब यहाँ जाएगी, ये लाइट रे जब इस सरफेस से टकराएगी, बेटा ये यहीं तक रखना था, इस सरफेस से जब टकराएगी तो इसकी जो इमेज है वो ये यहाँ तक आप ले लेना, ठीक है ना, इस लाइट रे को आप ऐसे ले लेना, इस तरीके से यहाँ पर मत लेना, देखो दोबारा बनाना पड़ेगा ये डायग्राम, मैं दोबारा बना देता हूँ, दोबारा यहाँ बना देता हूँ, इस जगह बना देता हूँ, दोबारा आपको डायग्राम बना देता हूँ। ये एक सरफेस था, ठीक है, ये एक सरफेस था, ये बन गया, ये ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, ये पी वन, ये एक्स था, ये पी वन, ये वाई था, यहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ से लाइट रे ऐसे गई, ठीक है, ऐसे गई और ये जो है ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है, और ये इसका इमेज जो है यहाँ आएगा, ठीक है, आई वन आ गया। अब यहाँ से ये दूसरा सरफेस है, अब यहाँ दोबारा रिफ्रैक्शन होगा, दूसरा सरफेस है तो एक्स डैश पी टू वाई डैश, दूसरा सरफेस है तो यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, अब यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा तो इमेज इसकी फाइनल इमेज यहाँ आएगी, आएगी या नहीं, दोबारा रिफ्रैक्शन यहाँ पर होगा, तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, और ये मैंने आपको बताया ही था कि ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू है, ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट इमेज का डिस्टेंस बी वन, ऑप्टिकल सेंटर से फाइनल इमेज का डिस्टेंस बी है, ठीक है, ये हो गया। अब जब सेकेंड सरफेस की बात कर रहे हैं, एक्स डैश पी टू वाई डैश की, एक्स डैश पी टू वाई डैश की जब हम बात कर रहे हैं, तो लाइट रे कहाँ से कहाँ जाएगी, डेंसर से रियरर में जाएगी, क्योंकि यहाँ का म्यू टू है और यहाँ का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन है और यहाँ का भी म्यू वन है, ठीक है, यानी यहाँ का भी म्यू वन है, यहाँ का भी म्यू वन है और ये म्यू टू है अंदर का, और म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन है, यानी लेंस के मटेरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा बेटा, यहाँ तो लाइट रे रियरर से डेंसर गई थी तो उसके लिए इक्वेशन हमने लिख दिया, अब सेकेंड सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट रे डेंसर से रियरर जाएगी, तो उसके लिए हम लिखेंगे क्या आ जाएगा, रिलेशन रिफ्रैक्शन फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस, फॉर रिफ्रैक्शन एट एक्स डैश पी टू वाई डैश सेकेंड सरफेस पर, यू क्या होगा, फर्स्ट सरफेस के कारण बनने वाली जो इमेज है भाई, फर्स्ट सरफेस के कारण बनने वाली फर्स्ट इमेज आई वन जो है वो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होगा, यानी यू तो हो गया वी वन, और सेकेंड सरफेस के लिए वी क्या हो गया, ये वी हो गया, तो यू तो हो गया वी वन और वी वी रहेगा, और आर क्या हो जाएगा सेकेंड सरफेस के लिए, मैं आर को आर टू मान लेता हूँ, ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है, डेंसर से जब रेयरर में जाएगी, सेकेंड सरफेस पर जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयरर जा रही है, इसमें कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेयरर जा रही है लाइट, ठीक है, और इसमें कहाँ से कहाँ गई थी, इसमें कहाँ से कहाँ गई थी, रेयरर टू डेंसर गई थी, तो रेयरर टू डेंसर वाला रिलेशन इसमें यूज किया हमने, और यहाँ डेंसर टू रेयरर जा रही है तो म्यू टू अपॉन यू होता है, और यू की जगह क्या होता है वी वन, माइनस म्यू वन अपॉन वी होता है, वी की जगह वी है, इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर टू ले लेते हैं। अब इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं, और फिर मैंने बताया था कि इसमें पहले नेगेटिव से पूरी इक्वेशन नंबर टू में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि म्यू टू अपॉन वी वन जो है कैंसिल हो जाए,
क्योंकि हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लेंस मेकर फॉर्मूला है तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा, तो इनडायरेक्ट मेथड हम यूज कर रहे हैं। तो नाउ एडिंग, दोनों सरफेस को ऐड कर दें, एक्स पी वन वाई और एक्स डैश पी टू वाई दोनों सरफेस के रिलेशंस को ऐड कर दें, तो हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला आ जाएगा। तो वन और टू ए को ऐड कर दें, तो वन का लेफ्ट साइड क्या है, म्यू टू अपॉन वी वन माइनस म्यू वन अपॉन यू, और ये तो वन का लेफ्ट साइड है, प्लस टू ए का लेफ्ट साइड क्या है, म्यू टू अपॉन वी वन विद नेगेटिव साइन प्लस म्यू वन अपॉन वी इज इक्वल टू टू, वन का लेफ्ट साइड क्या है, वो राइट साइड म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन, और प्लस टू ए का राइट साइड क्या है, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर टू। ठीक है, ये होता है। और यहाँ पर हम ब्रैकेट को ओपन करें तो म्यू टू अपॉन वी वन माइनस म्यू वन अपॉन यू माइनस म्यू टू अपॉन वी वन प्लस म्यू वन अपॉन वी इज इक्वल टू, राइट साइड में आप देखिए क्या कॉमन आ रहा है, म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन आ रहा है, तो वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू अंदर बचेगा। अब देखो म्यू टू अपॉन वी वन, म्यू टू अपॉन वी वन कैंसिल हो गया, अब कॉमन क्या आ रहा है, जो बच रहा है उसमें म्यू वन कॉमन है, अंदर लिख सकते हैं वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, यही तो बचेगा, इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन और इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ये आ जाएगा। और यहाँ से वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू किसके बराबर आ जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन, ठीक है, म्यू वन से डिवाइड हो जाएगा, इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ये आ जाएगा। अब वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू आप जानते हो क्या होता है, वन अपॉन एफ होता है। ठीक है, तो लिखें सिंस वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन एफ होता है, तो वन अपॉन एफ किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। और इसको क्या लिख सकते हैं, ये रिलेशन हो गया, लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है, आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया। तो कॉनकेव लेंस के लिए भी वही आ रहा है, लेंस मेकर फॉर्मूला सेम ही आएगा, लेंस का नेचर बदलने से फॉर्मूला थोड़ी बदल जाएगा, लेंस मेकर फॉर्मूला कॉनकेव लेंस के लिए भी वही आ गया। अब यहां पर मैंने आपको बताया था म्यू टू किसके बराबर है, ये ग्लास के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यानी जो लेंस का मटेरियल है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, और म्यू वन क्या है, मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है जो हमने एयर लिया है। तो उस तरीके से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू ए माइनस वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, इसको म्यू जी ए लिख सकते हो, म्यू ए को वन लिख सकते हो, इस तरीके से आप डिराइव कर सकते हो। अभी क्वेश्चन मैंने बताया आपको, क्वेश्चन ले लेते हैं, ए लेंस हैज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इन एयर, ठीक है, इन एयर, कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ when it is immersed in suppose water, मान ली वाटर के अंदर डुबो दिया जाता है लेंस को, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, यूजिंग कौन सा यूज करेंगे, यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला। हम क्या जानते हैं, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू ए माइनस वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू होता है। अब एयर के अंदर की बात कर रहा है, एयर के अंदर फोकल लेंथ हमें दे रखी है, तो एयर में लिख लें पहले इसको, तो म्यू जी अपॉन एयर का वन हो जाएगा माइनस वन, एयर का वन होता है ना, ये आ गया। ठीक है,
ये आ गया। अब यहाँ ये तो इसको ग्लास का कितना होता है वो हम जानते ही, 1.5 माइनस 1, 1 अपॉन आर 1 माइनस 1 अपॉन आर 2। और एयर का फोकल लेंथ कितना दे रखा है, एयर के अंदर 10 सेंटीमीटर है, ये 10 रख दिया, एफ की वैल्यू 10 दे रखी है ना, और ये कितना आ गया 0.5 आ गया। 1 अपॉन आर 1 माइनस 1 अपॉन आर 2, ये 1 अपॉन 10, और यहाँ से देखिए क्या आ गया, 1 अपॉन आर 1 माइनस 1 अपॉन आर 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 10 इंटू 1 अपॉन 0.5। अब पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 आएगा और नीचे 10 इंटू 5, तो यानी ये आ गया 0.2, या फिर इसको ऐसे ही लिख लो, 1 अपॉन 5 आ गया। क्या आ गया, 1 अपॉन 5 आ गया, ठीक है, 1 अपॉन 5 आ गया। किसका वैल्यू, 1 अपॉन आर 1 माइनस 1 अपॉन आर 2 का। अब जब लेंस को, व्हेन लेंस इज इमर्ज्ड, जब लेंस को डुबो दिया जाता है, इमर्ज्ड इन वाटर, पानी के अंदर, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी ये पता करना है। एफ वाटर हो जाएगा फिर, यहाँ इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू ए की जगह क्या हो जाएगा, म्यू वाटर हो जाएगा। बोलिए, अब म्यू ए नहीं लिखना, ध्यान रखना, म्यू वाटर आएगा क्योंकि अब मीडियम वाटर है, और 1 अपॉन आर 1 माइनस 1 अपॉन आर 2। अब जरा आप ये बताओ कि लेंस का डायमेंशन बदल जाता है, एयर के अंदर जब लेंस था और जब वाटर के अंदर डुबो दिया, तो लेंस का डायमेंशन यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर बदलेंगे क्या, नहीं। जो ऊपर हमने 1 अपॉन आर 1 माइनस 1 अपॉन आर 2 निकाला, वही तो रहेगा, वही तो रहेगा, ठीक है। तो 1 अपॉन आर 1 माइनस 1 अपॉन आर 2 की जगह ये वैल्यू रखेंगे, ठीक है, और म्यू जी की वैल्यू हम जानते हैं, वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हम जानते हैं, रख दीजिए, सॉल्व कीजिए, तो देखिए क्या आ जाएगा, क्या आएगा, 1 अपॉन, देयर फोर 1 अपॉन एफ वाटर इज इक्वल टू म्यू जी, म्यू जी कितना 1.5, और ये होता है 1.33, वाटर का 1.33 होता है, माइनस 1, और 1 अपॉन आर 1 माइनस 1 अपॉन आर 2 का वैल्यू कितना आया था, 1 अपॉन 5। तो इसको सॉल्व करें, 1.5 माइनस 1.33, एलसीएम लेने पर 1.33 इंटू 1 अपॉन 5 ये आएगा। अब इसको और सॉल्व करो, ये किसका वैल्यू आ रहा है, 1 अपॉन एफ वाटर का वैल्यू आ रहा है, ध्यान रखिए, 1 अपॉन एफ वाटर, वाटर के अंदर 1 अपॉन एफ का वैल्यू, फोकल लेंथ नहीं है, 1 अपॉन एफ है यानी पावर है। अब 1.50 में से 1.33 जाएगा तो 0.17 बचेगा ना, 0.17 बचेगा, ठीक है, यही बचेगा, 1.33 नीचे आ जाएगा इंटू 1/5 ये आएगा। अब यहाँ से फोकल लेंथ क्या आएगी, फोकल लेंथ यदि हम देखें तो वाटर उल्टा हो जाएगा, 1.33 इंटू 5/0.17, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, दो दो हैं, तो 5 3 जा 15 का 5, 5 3 जा 15 और 1 16 का 6, 5 1 जा 5 और 6 ये आ जाएगा, ठीक है, और अपॉन 17। और इसको सॉल्व करें तो 17 4 जा 68 है ना, 64 भी नहीं जा रहा, 17 3 जा 51 आएगा, 51, 15 बचा, 15 बचा ना, और 155, 17 6 जा कितना होता है 102, और 17 7 जा 119, और ये बच रहा है अपना कितना, 17 3 51, 51 में से ये 15 बचा था ना, 155 बचा, 155 बचा, 155। तो देखिए इसको सॉल्व करने पर, मैं बता देता हूँ आपको, रफ में सॉल्व करके इसकी जो वैल्यू आएगी, 665 डिवाइडेड बाय 17, तो ये लगभग 39.11 इतना सेंटीमीटर आ गया, इतना फोकल लेंथ आ गया, यानी वाटर के अंदर डुबोया लेंस को तो फोकल लेंथ बढ़ गया। यानी यदि लेंस को एक ऐसे मीडियम में डुबोया जाए
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से क्या है, ज्यादा है, तो उस केस में फोकल लेंथ लेंस की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी पावर डिक्रीज हो जाएगी। फोकल लेंथ बढ़ रही है ना, शुरू में फोकल लेंथ कितनी थी, शुरू में एयर के अंदर फोकल लेंथ कितनी थी, 10 सेंटीमीटर थी, एयर के अंदर 10 सेंटीमीटर थी, और वाटर के अंदर कितनी आ गई, 39, लगभग 4 टाइम्स हो गई, लगभग 4 टाइम्स हो गई, ठीक है। यानी फोकल लेंथ बढ़ जाती है, जब फोकल लेंथ बढ़ रही है तो पावर का क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। फोकल लेंथ बढ़ती है तो पावर डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन कब, जब लेंस को ऐसे मीडियम में डुबाया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईयर से ज्यादा हो, ठीक है। तो इस टाइप से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी इसके ऊपर आ सकता है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा, फिर से वीडियो को देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।